अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूँ इकरा शहजाद। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। अबराबाद में स्कूल इंतजामिया के रवैये से तंग, साफी जमात के तालिबे इल्म ने गले में फंदा डालकर जिंदगी का खात्मा कर दिया। कराची फायरिंग से कालाधन तंजीम के दो कारकुन मारे गए, एसपी और डॉक्टर समेत तीन अपराध कतल, अहले खाना पर गम के पहाड़ टूट पड़े। एमकेएम की कार इंसाफ हुसैन ने कहा है कि सिंध पर किसी एक फरीक नहीं बल्कि सबका हक है। पीपल्स पार्टी और एमकेएम ने कराची में अमन का जाहिर कर दिया। सिंध के वजीर दाखिला मंजूर वसान नए ख्वाबों की ताबीर के साथ एक माह बाद कराची पहुंच गए। लाहौर के इलाके बागपानपुरा में घरेलू तनाजे पर दो अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। आईएसआई के डायरेक्टर जनरल की मसरूफियत के बायस उनका दौरा अमरीका मुलतवी कर दिया गया। शुमाली वजीरिस्तान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, चार अफराद हलाक। वजीर आजम को काम से रोकने और स्पीकर के रूलिंग के खिलाफ तहरीक इंसाफ पर नवाज लीग की दरख्वास्तें दायर। डीजी सिविल एविएशन से नॉन शेड्यूल परवाजों में करप्शन की तफसीलात तलब, दुनिया न्यूज पर खबर नशर होने के बाद नए हरकत में आ गई। कतर के शॉपिंग मॉल में आग लगने से 13 बच्चों समेत 19 अफराद हलाक हो गए। और कोलंबिया में खवातीन की जुल्फे सवारने का मुनफरिद मुकाबला, मोती प्रोकर और भी खूबसूरत बना दिया।